चलिए प्रेजेंट ही मार्क कीजिए सब लोग। ओके सो आज हम आपका नोवा जो पाठ है, कविता है मैं गांधी बन जाऊं। आपको गांधी जी पता है? यस, आप सबको गांधी जी के बारे में पता है। ओके सो आपको ये कविता समझना और भी आसान हो जाएगा। इस कविता में क्या बताया गया है, देखिए, मैं गांधी बन जाऊं। वो बच्चा क्या कह रहा है कि मुझे गांधी जी जैसा बनना है। गांधी जी क्या करते थे, एकदम सीधे सिंपल तरह से रहते थे। वो खादी की चादर ओढ़ते थे, खादी का कपड़ा पहनते थे, धोती पहनते थे, एक लाठी लिए हुए चलते थे और ऐनक पहनते थे। ओके देखिए बच्चा क्या कह रहा है, कविता का नाम है मैं गांधी बन जाऊं। कवि कौन है, निरंकार देव सेवक। देखिए, माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं, सब मित्रों के बीच बैठ फिर रघुपति राघव गाऊं। निकर नहीं धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा, घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कराऊंगा, मैं बकरी का दूध पीऊंगा, जूता अपना आप सीऊंगा, आज्ञा तेरी मैं मानूंगा, सेवा का प्रण मन में ठा सॉरी सेवा का प्रण में ठानूंगा। मुझे रुई की पूनी दे दे, चरखा खूब चलाऊं, माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं। देखिए गांधी जी एक महापुरुष थे जो खादी का कपड़ा पहनते थे, क्योंकि उनका मानना था कि भारत के जो सामान्य लोग हैं वो जिस तरह रहते हैं, जो गरीब लोग हैं। गांधी जी के पास कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं था क्या? बहुत पैसे थे, वो बैरिस्टर थे, वो अफ्रीका में पढ़ के आए हुए थे, लेकिन उनका मानना था कि मेरे देश में इतने सारे गरीब लोग हैं, फिर मैं इतने महंगे अच्छे अच्छे कपड़े क्यों पहनूं। अपन पहला है ना इंग्लिश चा लेसन मध्ये, यस इंग्लिश चा लेसन मध्ये तुम्हारा शिकवलं आहे ना मी हे, यस। कारण गांधीजींना काय वाटायचं की माझ्याकडे एवढे पैसे आहेत, मी छान छान कपडे घेऊ शकतो। पण गांधीजी जेव्हा भाषण द्यायला गेले होते तेव्हा तिथल्या स्त्रिया भाषण ऐकण्यासाठी आल्या नव्हत्या, कारण त्यांच्याकडे कपडे नव्हते घालण्यासाठी। ओके म्हणून गांधीजींनी ठरवलं की मी सुद्धा माझ्या देशातील गरीब जनतेप्रमाणे साधाच राहीन। मग हा मुलगा काय म्हणत आहे, आता कविता मी पूर्ण वाचून दाखवली, आता मी अर्थ समजावते, लक्ष द्या। माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं, सब मित्रों के बीच बैठ फिर रघुपति राघव गाऊं। मुलगा काय म्हणत आहे की आई मला खादीची चादर दे, मला गांधीजींसारखं बनायचं आहे, आणि मी सगळ्या मित्रांच्या मध्ये बसून रघुपती राघव राजा राम पतित पावन सीताराम हे जे भजन गांधीजी गायचे ते मी गाणार आहे। निकर नाही धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढूंगा, घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर आऊंगा। फिर वो बच्चा क्या कह रहा है कि माँ मैं अभी निकर नहीं पहनूंगा, मैं धोती पहनूंगा गांधी जी के जैसे, और खादी की चादर अपने पूरे शरीर पे ओढ़ूंगा, मैं घड़ी को कमर में लटकाऊंगा और सवेरे सवेरे सैर करने जाऊंगा, मैं बकरी का दूध पीऊंगा, जूता अपना आप सीऊंगा, मैं गाय भैंस का नहीं तो मैं गरीबों के जैसे बकरी का दूध पीऊंगा, और जब मेरा जूता फट जाए तो मैं उसे किसी और को सिलाने के लिए नहीं दूंगा, मैं उसको अपने आप ही सीऊंगा। आज्ञा तेरी मैं मानूंगा, सेवा का प्रण मैं ठानूंगा, मैं अभी तेरी आज्ञा भी मानूंगा और सेवा का प्रण मन में ठानूंगा, मैं तेरी सारी बात मानूंगा और सबकी सेवा करूंगा। मुझे रुई की पुनी दे दे, चरखा खूब चलाऊं, जैसे कि गांधी जी चरखा चलाते थे तो मुझे भी रुई लाके दे, मैं भी चरखा चलाऊंगा। माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं, मुझे खादी की चादर दे दे ताकि मैं गांधी जी जैसा उनको उसको ओढ़कर गांधी जी से जैसा बन पाऊं। ओके बताइए मुझे, हम गांधी जयंती कब मनाते हैं? आप सबको छुट्टी रहती है ना गांधी जी की जयंती पे, कब मनाते हैं हम गांधी जयंती, कौन बताएगा?
गांधी जयंती कधी सेलिब्रेट केली जाते सांगा मला। तुझे तुमचा आवाज नाही येत। ऑक्टोबर टीचर 2 ऑक्टोबर टीचर 2 ऑक्टोबर ओके आता आवाज येतोय माझा। येस टीचर। माझा आवाज येतोय? नो टीचर। ओके ऍक्च्युअली माझा वायफाय नेटवर्क गेलेलं त्यामुळे। ओके सार्थक बेटा माईक ऑन कर, तुला कविता वाचायची आहे। स्क्रीन दिसते आहे ना? हाँ। हाँ वाच। महा मा पहिले नाव काडी वाचायचं कवितेचं। मैं गांधी बन जाऊंगा। बन मा जाऊ। बन जाऊ। माँ खादी की चादर दे खादी की। दे खादी खादी की। की चादर दे। मैं मैं गांधी बन जाऊ। सब मित्रों के बीच। बीच बैठ तो बैठता बीच बैठ। बीच बैठ फिर रघुपति राघव गाऊ निकर नहीं धोती पहनो गा पहनूंगा पहनूंगा। पहनूंगा खाड़ी खादी की चादर खादी की। खादी की। ओढ़ूंगा। ओढ़ूंगा घड़ी कमरे में कमर में। कमर में लटकाऊंगा। लगताऊंगा सैर। सवेरे सवेरे। कर आऊंगा। आऊंगा। मैं मैं बकरी का दूध पीऊंगा। जूठ जूठ अपन जूता आप अपना। जितना अपना सीऊंगा आज नहीं आज्ञा आज्ञा तेरी। तेरी मैं मानूंगा। मानूंगा। मुझे सेवा का प्रण। त्याच्यानंतरची ओळवा सेवा का। सेवा का प्रण मैं ठानूंगा।
बेटा अपन चार तक ठीक है। मुझे रही की पून दे दो, मुझे रुई दे की पूनी दे दे। दे मुझे रुई की पूनी दे दे। चरखा कुंकू चलाऊं। चलाऊ, माँ खाड़ी खादी की। खादी की चादर दे दे। मैं गांधी बन जाऊं। ठीक ओके सगळ्यांना कवितेचा अर्थ समजलाय? सगळ्यांना कवितेचा अर्थ समजलाय? इस कविता का जो भी मीनिंग आपको बताया है सबको समझ में आया है? ओके वेदांग तुला वाचायचा आहे आता। मैं गांधी बन जाऊं, माँ खादी की चादर दे दे। मैं गांधी बन जाऊं, सब मित्रों के बीच बैठ फिर रघुपति राघव गाऊं। निकर नहीं धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा। खड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कराऊंगा। मैं बकरी का दूध पीऊंगा, जूता अपना आप सीऊंगा। आज्ञा तेरी मैं मानूंगा, आज्ञा हिंदी मध्ये आज्ञा बोलायचा। आज्ञा तेरी मैं मानूंगा, सेवा का प्रण मैं ठानूंगा। ठानूंगा। मुझे रुई की पूनी दे दे। चरखा चरखा खूब चलाऊ, माँ खादी की चादर दे दे। मैं गांधी बन जाऊ। गुड। नेक्स्ट थर्ड स्टैंडर्ड श्रेया। टीचर, ओके पढ़िए। मैं गांधी बन जाऊं, माँ खादी की चादर दे दे। मैं गांधी बन जाऊं, सब मित्रों के बीच बैठूं, फिर रघुपति राघव गाऊं। निकर नहीं धोती पहनूंगा, पहनूंगा। खादी की चादर ओढ़ूंगा। घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर आऊंगा। कराऊंगा। मैं बकरी का दूध पीऊंगा, जूता अपना अपना आप सिलूंगा। आज्ञा तेरी मैं मानूंगा, सेवा का प्रेम मैं उठाऊं। मैं ठानूंगा। मैं ठानूंगा, मुझे रुई की पूनी दे दे। चरखा खूब चलाऊ, माँ खादी की चादर दे दे। मैं गांधी बन जाऊं। गुड। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट हु इज फ्रॉम थर्ड स्टैंडर्ड आदित्य। यस यस आदित्य वाच। मैं खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊंगा। जाओ। जाऊं सब मित्रों के बीच बैठ। बीच बैठ, फिर रघुपति राघव गाऊं। निकर नहीं धोती पहनूंगा, खादी
खादी की चादर ओढूंगा, घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सैर सवेरे सैर सवेरे कर आऊंगा, मैं बकरी का दूध पीऊंगा, जूता अपना पीऊंगा, आज्ञा तेरी, आज्ञा 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 तेरी महना, मैं मानूंगा। मैं मानूंगा सेवा का प्रण, मैं ठानूंगा मुझे रुई की पानी दे पूनी दे, चरखी चरखा चरखा खूब चलाओ। चरखा खूब चलाऊं, माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊंगा। जाओ। ओके गुड। ओके थर्ड स्टैंडर्ड सब लोग कंप्लीट हो गए पढ़ के। थर्ड स्टैंडर्ड सगळ्यांचं वाचून झालंय। वेदांग, आदित्य, सार्थक एंड श्रेया। ओके ओनली फोर वेर देयर राइट। बाकी कौन प्रेजेंट है? कार्तिक, स्पर्श, रिद्धि, स्नेहा। ओके मधुरा मधुरा तुझा माइक ऑन कर, टीचर वाचायचं आहे। विचारलं ना मी थर्ड स्टँडर्डचं वाचून झालं का? वाच लवकर। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं, सब मित्रों के बीच बैठ, फिर रघुपति राघव गाऊं, निकर नहीं धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा, घड़ी कमर कमर में लटकाऊंगा, में सैर सवेरे सैर सवेरे कर जाऊंगा, मैं बकरी का दूध पीऊंगा, जूता अपना आप सीऊंगा, आज्ञा मेरी, आज्ञा 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 मेरी, आज्ञा आज्ञा तेरी मैं मानूंगा। तेरी मैं मानूंगा, सेवा का प्रण मैं ठानूंगा, मुझे रुई की पुनी दे दे, चरखा खूब खूब चलाऊ, माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊ। गुड। ओके सो थर्ड स्टैंडर्ड सबको कविता समझ में आई है? लर्न करोगे घर पे थर्ड स्टैंडर्ड? यस। ओके सो इस पे कुछ क्वेश्चन आंसर बना के मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी। ओके नाउ फोर्थ स्टैंडर्ड, नाउ वी विल सी फॉर फोर्थ स्टैंडर्ड। ओके ओके फोर्थ स्टैंडर्ड हमने ऋतुए इस कविता तक पढ़ा है। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे त्योहार। ओके देखिए ये कौन सा त्योहार है? स्पर्श बताओ ये कौन सा त्योहार है? दिवाली का यस दिवाली या फिर दीपावली।
घर घर दीप जलाए, प्रकाश का पर्व मनाए, तो यह है दिवाली। स्नेहा आप बताइए ये कौन सा त्योहार है? ईद। यस, शिरखुरमे का स्वाद ईद रहे सदा याद। ओके, देन रिद्धि बताइए ये कौन सा त्योहार है? क्रिसमस। यस, सांता आया उपहार लाया। कार्तिक ये बता आप बताइए ये कौन सा त्योहार है? टीचर मुझे नहीं पता। बैसाखी। ओके, आया बैसाखी का त्योहार, घर घर भांगड़े की बहार। आता तुम्ही मला सांगायचं आहे एक एक करून इस त्योहार में हम क्या करते हैं। दीपावली बताइए मुझे, दीपावली में हम क्या क्या करते हैं? यस, कौन दीपावली में बताएगा? दिए हैंड रेज जलाते कीजिए। हैं, और क्या किया जाता है? यस स्नेहा, दिवाली में दिए जलाना जाता है, सजावट किया जाता है। और रंगोली निकालते हैं, पटाखे भी सांगो, फोड़ते हैं। यस रिद्धि, दिवाली में हम घर सजाते हैं, रंगोली निकालते हैं, दिए जलाते हैं, फटाके फोड़ते हैं, मिठाई यस बनाते हैं। यस वेरी गुड। मिठाई बनाते हैं, दोस्तों को मिठाई बांटते हैं। यह है ईद का त्योहार, जब शिरखुरमा बनाया जाता है और ईद मनाई जाती है। ईद के बारे में कौन बताएगा मुझे? ईद के बारे में कौन बताएगा? रेज योर हैंड और राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स। ईद वो त्योहार है जो हमारे मुस्लिम बांधव मनाते हैं। वो रमजान का एक पूरा महीना उपवास रखते हैं और उसके बाद जब चांद नजर आता है तब ईद मनाई जाती है। ईद के वक्त अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं। सबसे अच्छा, सबसे प्यारा और अच्छा वाला पकवान होता है शिरखुरमा। वो सारे बच्चे मजे से खाते हैं और बड़े लोग बच्चों को ईदी देते हैं। कोई त्योहार, कोई उपहार देते हैं जिसको ईदी कहा जाता है। ओके, ये है सारी इंफॉर्मेशन ईद के बारे में। नेक्स्ट ये है क्रिसमस। क्रिसमस के बारे में कौन बताएगा मुझे? ये मैं बताऊं, हाँ, क्रिसमस में सैंटा क्रिसमस आते में भी हैं, बच्चों को गिफ्ट देते हैं। क्रिसमस। ओके वेट वेट, आई विल टेल यू, वेट। क्रिसमस मनाया जाता है जीसस यीशु क्रिस्ट के जन्म के दिन पर। ओके, उस दिन जीसस यीशु क्रिस्ट का जन्म हुआ था तो उसको क्रिसमस कह के सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो त्योहार है वो हमारे क्रिस्ती बांधव मनाते हैं। और ये इस त्योहार में सेंटा बन के कुछ लोग आते हैं और बच्चों को बहुत सारे गिफ्ट देते हैं। स्कूल में भी ये फेस्टिवल मनाया जाता है जब बच्चों को मिठाई या फिर कुछ स्वीट चॉकलेट्स ऐसे कुछ चीजें खाने के लिए दी जाती है, केक दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है बैसाखी। बैसाखी एक ये त्योहार है जो हमारे जो पंजाबी बांधव है वो ये त्योहार मनाते हैं। जब वसंत ऋतु में खेतों में बहार आती है, सारे फूल वगैरह फूलने लगते हैं, पेड़ बहरने लगते हैं, तब वसंत ऋतु में ये बैसाखी त्योहार मनाया जाता है। तब ढोल नगाड़े बजते हैं, हर जगह भांगड़ा किया जाता है। ओके, सारे त्योहारों के बारे में आपको समझ में आया है? आप लिख सकते हो इनके बारे में अभी। स्पर्श, कार्तिक, स्नेहा, रिद्धि, कैन यू राइट अबाउट दिस फेस्टिवल्स नाउ? ओके, ये आपको होमवर्क में दिया जाएगा। मैं आपको दूंगी त्योहार के नाम, आपको उन त्योहारों के ऊपर कुछ लाइंस लिखनी है। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या है देखिए।
इंद्रधनुष, इंद्रधनुष एक कविता है, देखिए चलिए। इंद्रधनुष कविता का नाम है हमारे, जिसके कवि है घमंडी लाल अग्रवाल। पहला रंग बैंगनी रहता, रंग दूसरा नीला, रंग आसमानी के पीछे हरा और फिर पीला। छठा रंग नारंगी देखो, लाल सातवा प्यारा, इंद्रधनुष में सात रंग का दिखता सदा नजारा। जब भी वर्षा थम जाती है, सूरज चमक लुटाता, नभ की चादर पर चमकीला इंद्रधनुष सज जाता। इंद्रधनुष सा बने राष्ट्र में, वह तो नाम कमाए, अपनी अनुपम लीला उसे जन जन को हर्षाए। देखिए इंद्रधनुष के बारे में बताया गया है। इंद्रधनुष कब आता है आपको पता है? जब बहुत तेज बारिश होती है और वो बारिश बारिश रुक जाती है और बाद में सूरज आता है और अपनी रोशनी फैलाता है, तब हमें आकाश में कुछ रंग की छटाएं दिखती है, जिसमें सात रंग की छटाएं होती है, उसको हम इंद्रधनुष कहते हैं। यह इंद्रधनुष बहुत ही प्यारा होता है, जो सात रंगों से बना होता है। ओके, तो बच्चे कह रहे हैं, कवि कह रहा है कि जो इंद्रधनुष के जैसा नभ में चमकता है, वह राष्ट्र में अपना नाम कमाता है। अब एक एक स्टांजा को मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक से देखिए समझिए। पहला रंग बैंगनी रहता, रंग दूसरा नीला, रंग आसमानी के पीछे हरा और फिर पीला। आप देख सकते हो पहला रंग कौन सा है, बैंगनी, और दूसरा रंग है नीला। नीले के बाद कौन सा रंग आ रहा है वहां पे, आसमानी, और उसके बाद हरा और पीला। छठा रंग नारंगी देखो, लाल सातवा प्यारा। छठा रंग कौन सा है, नारंगी, और उसके बाद सातवा लास्ट का रंग कौन सा है, सबसे लास्ट वाला रंग है लाल। इंद्रधनुष में सात रंग का दिखता सदा नजारा। अब जब इंद्रधनुष को देखोगे आसमान में, तब आपको उसमें सात रंग हमेशा दिखाई देंगे। जब भी वर्षा थम जाती है, सूरज चमक लुटाता, नभ की चादर पर चमकीला इंद्रधनुष सज जाता। और ये इंद्रधनुष आसमान की चादर में कब आता है, आसमान को चादर कहा गया है, और ये इंद्रधनुष उस चादर पर हमें कब दिखता है, जब जोरों की वर्षा होती है और वो थम जाने के बाद सूरज अपनी रोशनी बिखराता हुआ आता है, तब हमें आसमान में इंद्रधनुष दिखता है। इंद्रधनुष सा बने राष्ट्र में, वह तो नाम कमाए, अपनी अनुपम लीलाओं से जन जन को हर्षाए। और जो इंद्रधनुष के जैसा बनेगा, वो पूरे राष्ट्र में खुद का नाम कमाएगा और अपनी लीलाओं से पूरे जन को सुखी कर देगा, आनंदित कर देगा। ओके, कविता समझ में आई है? फोर्थ स्टैंडर्ड सबको कविता समझ में आई है? स्नेहा, कार्तिक, स्पर्श, यस। अभी आपको ये कविता पढ़नी है। स्पर्श माइक चालू कर। यस टीचर। पहला रंग बे कवितेचं नाव वाचायचं अगोदर। बैंगनी रहता, रंग दूसरा नीला, रंग आसमान नीचे इंद्रधनुष। पहला रंग बैंगनी रहता, रंग दूसरा नीला, रंग आसमानी के पीछे ये सूरज चमक लुटाता। नो नो नो, तुझा आवाज ब्रेक होतोय स्पर्श मध्ये मध्ये। सूरज चमक लुटाता, नभ की चादर पर इंद्रधनुष सज जाता। इसे बोला कि तो आवाज एक नहीं। स्पर्श एकदा लेफ्ट करून पुन्हा जॉईन हो, युअर व्हॉइस इज ब्रेकिंग इन बिटवीन।
रंग नारंगी देखो लाल सातवा प्यारा इंद्रधनुष में सात रंग था दिखता न सदा नजारा जब भी वर्षा धम जाती है सूरज चमक लुटाता नभ की चादर पर चमकी इंद्रधनुष से बने राष्ट्र में वह तो नाम कमाए अपनी अनुपम लीलाओं से जन जन को हर्षाए। गुड। स्नेहा आप पढ़िए। पहला रंग बैंगनी रहता रंग, दूसरा नीला रंग, आसमान के पीछे हरा और फिर नीला, पीला, पीला। छोटा रंग नारंगी छठा। देख छठा रंग नारंगी देखता लाल, देखो 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 लाल सातवा प्यारा, प्यारा प्यारा इंद्रधनुष में सात रंग का दिखता सदा नजारा जब भी बारिश थम जाती वर्षा, जब भी वर्षा है सूरज 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 चमक लुटाता सूरज चमक लुटाता नबकी चादर पर चमकीला नबकी चादर पर चमकीला इंद्रधनुष रोज सज जाता। सजाता इंद्रधनुष सा वन वन बने राष्ट्र में बने राष्ट्र में वही थे ना वह तो नाम कमाए वह तो नाम कमाए अपनी आनी पर अनुपम अनुपम लिखाए लीलाओं से नीला से चं चंचन जन जन को हर्षाए। जन को हर्षाए। ओके दीदी इज देयर यस रिद्धि। ओके वाट्स रिद्धि। टीचर। पहला रंग बैंगनी रहता, दूसरा रंग दूसरा नीला। रंग दूसरा नीला, रंग आसमानी के पीछे हरा और फिर पीला। छठा रंग नारंगी देखो लाल सातवा प्यारा इंद्रधनुष में सात रंग का दिखता सदा नजारा दिखता सदा नजारा जब भी वर्षा थम जाती सूरज चमक लुटाता नभ की चादर पर चमकीला चमकीला। इंद्रधनुष सज जाता इंद्रधनुष इंद्रधनुष सा बने राष्ट्र में इंद्रधनुष सा बने राष्ट्र में बहुत तो नाम कमाए अपनी अनुपन लीलाओं से लीलाओं से जन 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 को हर्षाय। हर्षाए। कार्तिक कार्तिक तू वाच। इंद्रधनुष
पहला रंग बैंगनी रहता, दूसरा रंग रंग दूसरा। दूसरा नीला, रंग आसमानी के पीछे हरा और फिर पीला, पीला। छठा रंग नारंगी देखो लाल सातवा प्यारा, इंद्रधनुष में सात रंग का दिखता सदा नजारा, जब भी वर्षा थम जाती है सूरज चमक लुटाता, नभ की चादर पर चमकीला इंद्रधनुष सज जाता, इंद्रधनुष सा बने राष्ट्र में वह तो नाम कमाए, अपनी अनुपम लीलाओं से जन जन को हर्षाए। वेरी गुड। ओके, सगळ्यांचं रीडिंग कंप्लीट झालंय। थर्ड स्टँडर्ड, फोर्थ स्टँडर्ड, सगळ्यांचं रीडिंग झालंय का? दोन्ही स्टँडर्डला कविता समजल्यात का तुमच्या? येस। ओके, नाउ लेट्स सी यस इफ यू हैव क्वेश्चन आंसर। ओके, ये शब्द सबको पढ़ने हैं, इसमें चंद्रबिंदु है, ये सब वर्ड सबको पढ़ने हैं। ओके, थर्ड स्टैंडर्ड से हम शुरुआत करेंगे। वेदांग, यस वेदांग, व्हाट हैपन? ओके, ही लेफ्ट। सार्थक, बेटा, हाँ पढ़िए। आंचल, अक्षर दान, पहुंच जाऊंगा, दुहा परिया। गुड। थैंक नाउ आदित्य, आदित्य मां। हा अचल दांत पहुंच जाऊंगा, धुआं हाँ, परिया। ओके गुड। वेदांग, माँ हाँ अचल दांत पहुंच जाऊंगा, धुआं परिया। यस। और श्रेया, यस टीचर। माँ हाँ अचल दांत पहुंच जाऊंगा, धुआं परिया। यस गुड। नेक्स्ट, फोर्थ स्टैंड, मधुरा है का? मधुरा, मधुरा इज जाए। ओके, यस हाँ वाचायचा आहे मधुरा, वाच हे शब्द। माचल मा माचल दांत टोट माझ्या मागे बोल। मा मधुरा, मा यस मधुरा, माझ्या मागे बोल। मा हाँ हाँ आचल अचल दान पहुंच पहुंच जाऊंगा, धुआं जाऊंगा, हुआ परिया। परिया। ओके गुड। स्नेहा आप पढ़िए। माँ हाँ अचल दांत पहुंच जाऊं पहुंच जाऊं, जाऊंगा। दुआ परिया। यस। स्पर्श, स्पर्श तू वाच। यस टीचर।
हाँ आचल दांत पहुंच जाऊंगा दुहा परिया। यस नेक्स्ट इज कार्तिक। माँ हाँ आंचल दांत पहुंच जाऊंगा दुआ परिया। यस रिद्धि। यस टीचर। माँ हाँ आंचल दांत पहुंच जाऊंगा दुआ परिया। ओके आता काही प्रश्न आहेत त्यांची उत्तर सांगा मला। इंद्रधनुष के कुल रंग कितने होते हैं? इंद्रधनुष के कुल रंग सात। इंद्रधनुष यहाँ दिखाई देता है। इंद्रधनुष यहाँ दिखाई देता है कहाँ दिखाई देते हैं? आसमान। आकाश इज राइट बट इथे आसमान हा शब्द वापरलाय ना आसमान लिहा। ओके यस टीचर। यस इंद्रधनुष का पहला रंग कौन सा है? बैंगनी। वेरी गुड। ओके तुम्ही लिहू शकाल हे क्वेश्चनचे आन्सर्स फोर्थ स्टँडर्ड। ओके थर्ड स्टँडर्ड मी पोएम पाठवणार आहे ऍज युअर होमवर्क तुम्हाला ती लर्न करायची आहे आणि फोर्थ स्टँडर्ड तुम्ही पोएम लर्न करून या क्वेश्चनचे आन्सर सुद्धा लिहायचे आहेत। ओके एव्हरी वन कॅन डू दॅट। सगळ्यांना समजली आहे ना पोयम? दोन्ही कविता दोन्ही स्टँडर्डच्या मुलांना समजल्यात ना? श्रेया मधुरा सार्थक समज में आहे आपको? येस ओके ओके सो हियर वी आर स्टॉपिंग। हम आज इधर ही रुकने वाले हैं। विल मीट टुमारो इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके सो बाय बाय एवरीवन। यू कैन लीव नाउ। बाय बाय टीचर। बाय टीचर। बाय बाय। वेलकम। बाय टीचर। बाय बाय। वेलकम। वेलकम। बाय।